आगरा में 15 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। संघर्ष समिति का साफ तौर से कहना है कि वह किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 2 दिनों से आगरा में विद्युत कर्मचारी संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। सरकार की तरफ से इन सभी विद्युत कर्मियों को शनिवार 6 बजे तक धरना खत्म कर काम पर लौटने की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। वहीं आगरा दक्षिणांचल कार्यालय पर धरना दे रहे संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि वह सरकार के सामने झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है। जेल भरने की नौबत आई तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हालांकि लखनऊ में उनके वरिष्ठ अधिकारी ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। अंतिम निर्णय आने की देरी है। ये अभी फिलहाल हमारा कोई नया मांग नहीं है। हमारी जो मांगे थी उस पे 3 दिसंबर 2022 को आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय अवस्थी जी के बीच में समझौता हुआ था और लिखित समझौता हुआ था। उस पे हमें 15 दिन का समय दिया गया था। ये 15 दिन के अंदर जो भी लिखित समझौता हुआ है उस तक क्रियान्वयन हो जाएगा, लेकिन 3.5 महीना से अधिक बीत चुका है, उस समझौते का पालन नहीं कराया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग मजबूरन हड़ताल पे 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। कितने कर्मचारी हैं आगरा में जो इस फैसले से प्रभावित हैं और आगे की रणनीति है? अभी हमारा लखनऊ में केंद्रीय पदाधिकारियों का मीटिंग चल रहा है आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से। आगे की रणनीति जैसा उनका निर्देश आएगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे।